क्योंकि चरखेदादरी से सामने आ रही है। चरखेदादरी में किसानों की महापंचायत होनी है आज। इसी बीच के तिलाना टोल पहुंचेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं और जानकारी दें गुरनाम सिंह चिदुनी भी इस महापंचायत में शामिल होंगे, राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में शामिल होंगे, प्रदेश के खाप प्रतिनिधि भी इस महापंचायत में हिस्सा लेंगे। चरखेदादरी के क्षेत्र के जो सक्रिय खापे हैं वो भी इस महापंचायत में हिस्सा लेंगे। दोपहर करीब 12 बजे कितलाना टोल पहुंचेंगे राकेश टिकैत। राकेश टिकैत का बाडरा अनाज मंडी का कार्यक्रम जो था वो रद्द कर दिया गया है और अब चरखेदादरी में जो महापंचायत होनी है वहां वो पहुंचेंगे। गुरनाम सिंह चिडुनी भी वहां पर पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महासिंह शरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महासिंह, जो ये महापंचायत होनी है आज की, इस महापंचायत को बेहद अहम माना जाए क्योंकि जिस तरह से जींद में भी महापंचायत हुई उसका सीधा सीधा जो असर है वो हमें कल जो राष्ट्रव्यापी चक्काजाम किया गया उसमें देखा गया। किसान किस तरह से एकत्र नजर आए, किस तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से वो चक्काजाम किया गया, तो इस महापंचायत का क्या उद्देश्य माना जाए और क्या जानकारी इसी मार्फत आपके पास साझा करें महासिंह? महापंचायत का उद्देश्य है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा आंदोलन में जोड़ना, तो इस बात को लेकर ये जुहानी जिले और चरखेदादरी जिले की संयुक्त किसान महापंचायत तलाना टोल पर रखी गई है। इसके अंदर मुख्य वक्ता के तौर पर राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चिडुनी पहुंचेंगे और तमाम दोनों जिलों की जो खाते हैं वो भी इसमें भाग लेंगे और इसके अलावा प्रदेश के जितने भी खाते हैं उनके प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण भेजा गया है, उनको भी वो भी भाग लेने की लेने जा रहे हैं इसके अंदर। जी, तो इसी बीच अगर यहाँ क्षेत्र में किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन के चलते यहाँ की खापे कितनी सक्रिय रही है महासिंह? देखिए, कल का जो चक्का जाम का जो ऐलान था संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, तो यहाँ पर खापों ने, किसान संगठनों ने और व्यापारी संगठनों ने उसका समर्थन किया था। तो जहाँ जहाँ क्षेत्र में गाँव में धरने लग रहे हैं तो चक्का जाम पूर्णतः सफल था और लोगों की अच्छी उसमें भागीदारी थी। जी, ये संयुक्त महापंचायत हो रही है तो कितनी खापे यहाँ पर यहाँ हिस्सा ले रही है महासिंह, या ये कहे कि कितनी खापों की ओर से इस महापंचायत का आयोजन कराया गया है, कितने गांव शामिल हैं इस महापंचायत में? देखिए, दोनों जिलों की अगर बात की जाए खापों की तो यहाँ पर सोराण खाप 84 है, सरोजातीय सोराण खाप फोगाट है और सरोजातीय सोराण खाप सांगवान खाप है जो बड़ी खापे इस क्षेत्र में, और भी जो खाते हैं इसके अलावा प्रदेश के तमाम खातों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। जी, और महासिंह, इसी बीच इस महापंचायत की तैयारियों की बात करें तो ग्रामवासियों की ओर से, खापों की ओर से क्या कुछ यहां कार्यक्रम तय किया गया, किस तरह की तैयारियां महासिंह? अगर तैयारियों की बात की जाए तो ये जो तलाना टोल है विहानी और चरखेदादरी का जो हाईवे उसके बीच में एक तलाना गांव के पास पड़ता है और यहाँ पर जो किसानों का धरना है लंबे समय से यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर जगह की और तैयारियों की बात की जाए तो सभी तैयारियां हैं। किसान नेताओं ने धरनार्थ जो उन्होंने पूरी है और यहाँ पर जगह को देखते हुए जो टोल प्लाजा का ग्राउंड है उसमें ही ये सभा की जाएगी। जी, मासिंग, इसी बीच अगर क्षेत्र के किसानों की बात करें तो देखिए कहीं पर गन्ने की फसल ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, तो अगर यहाँ शुगर मिलों की बात करें या फिर सरसों की फसल की बात करें, खास तौर पे उन फसलों की बात करें जो फिलहाल खेतों में खड़ी हुई हैं, उनको लेकर किसानों का क्या कहना है, क्या उन फसलों के भाव न मिलने का भी रोष यहाँ किसान जाहिर कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें होती है। भिवानी और चरखेदादरी जिले की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर धान, दादरी के कुछ धान और गन्ने की भी होती है, लेकिन उसकी ज्यादातर जो फसलें हैं वो गेहूं और सरसों की होती है। तो किसानों का जो तो समर्थन मूल्य को लेकर जो असंबंधित स्थिति बनी हुई है, मांग है और इस बात को लेकर किसान चाहते हैं कि समर्थन मूल्य की सरकार कानून में शामिल करे ताकि उनको आगे की जो खतरा है फसल बेचने का वो ना हो। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया महासिंह तमाम जानकारी तमाम अपडेट के लिए। तो यहाँ चरखेदादरी में महापंचायत की जा रही है और तमाम खापे इस महापंचायत में शामिल होंगी और नजदीकी तमाम जो ग्रामवासी हैं, जो किसान हैं, वो भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। राकेश जी कहते हैं इस महापंचायत में शामिल होंगे। इसी बीच चरखेदादरी में किसानों की आज महापंचायत होनी, एक बार फिर से आह्वान किया जाएगा राकेश जी कहते की ओर से कि तमाम किसान एकत्र हों और बॉर्डर्स पर जुटना शुरू करें।